नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा की प्रमुख हवेलियाँ। क्या भाई, हरियाणा की प्रमुख हवेलियों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवेलियाँ हैं। क्या भाई, हरियाणा के अंदर बहुत ऐसी हवेलियाँ हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। शुरुआत कर लेते हैं माधवगढ़ का किला। क्या भाई, माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। माधवगढ़ में क्या आने लग रहा है? मैं आने लग रहा है, तो महेंद्रगढ़ में क्या आने लग रहा है भाई? मैं आने लग रहा है, तो इससे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये माधवगढ़ का किला बनवाया किसने? किसने भाई? माधोपुर के राजा। क्या भाई, माधोपुर के राजा सवाई माधव सिंह ने क्या बनवाया? माधवगढ़ का किला बनवाया। कहाँ पे है ये? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है ये? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद में है जल महल। क्या भाई, जल महल है। जल महल भी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है जल महल? महेंद्रगढ़ में है। इसको कैसे याद करें कि जल महल, मैं आने लग रहा है, जल के बाद में क्या है? मैं आने लग रहा है, तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जल महल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। जल महल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। बनवाया किसने? जल कैसा होता है? जल की जो प्रवृत्ति होती है, सामान्य होती है, क्या होती है? ठंडी होती है, कूल होती है। क्या होती है भाई? जल की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? कूल होती है। कूल से क्या बना दीजिए? कूली। क्या बना दीजिए? कूली। कूल से बना दीजिए इसका कूली, शाह कुली खान ने। क्या भाई, जल महल की जो स्थापना की वो किसने की? शाह कुली खान ने। किसने की? शाह कुली खान ने जल महल की स्थापना की। कहाँ पे की भाई? महेंद्रगढ़ में की गई। उसके बाद में है पीर नौ गज्जा की मजार। क्या भाई, पीर नौ गज्जा की मजार कहाँ पे है? अम्बाला में। पीर नौ गज्जा की मजार कहाँ पे है? अम्बाला में। और पीर नौ गज्जा की मजार के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है भाई? घड़ी चढ़ाई जाती है। उसके बाद में है गंगाराम की हवेली। क्या भाई, गंगाराम की हवेली। किसकी हवेली भाई? गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? अम्बाला में। गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? अम्बाला में। कैसे इसको याद करें कि राम ने, किसने भाई? राम ने आम, आम अम्बाला को क्या बना दीजिए? आम बना दीजिए। अम्बाला को किससे कनेक्ट कीजिए? आम से कनेक्ट कीजिए। राम ने आम को कहाँ पे फेंक दिया? गंगा में फेंक दिया। कहाँ पे फेंक दिया भाई? गंगा में फेंक दिया। राम ने आम को कहाँ पे फेंक दिया? गंगा में फेंक दिया। तो गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? अम्बाला में। गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? अम्बाला के अंदर है। उसके बाद में है उदयवीर की हवेली। कहाँ पे भाई? उदयवीर की हवेली कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हमारा उदय नहीं हो सकता। क्या भी, हमारा उदय नहीं हो सकता किसके बिना? गुरु के बिना। क्या भी, गुरु के बिना हमारा उदय नहीं हो सकता। तो उदयवीर की हवेली कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे भी ये? गुरुग्राम में है। आगे है खिजर खां का मकबरा। क्या भाई, खिजर खां का मकबरा। खिजर को क्या पढ़िए? खीर पढ़ लीजिए। खिजर को क्या पढ़िए? खीर पढ़िए। खीर खा करके क्या हो गए? हम सो गए। खीर खा करके क्या भी? हम सो गए, नींद आ गई। इसलिए इससे कनेक्ट हो गया भाई, सोने से क्या कनेक्ट हो गया? सोनीपत। सोने से क्या कनेक्ट हो गया भाई? सोनीपत हो गया। खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे है भैया? सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में है सेठ छज्जू राम की हवेली। सेठ छज्जू राम की हवेली कहाँ पे है? भिवानी में। कहाँ पे है भाई? भिवानी में। कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट इसको ऐसे कीजिए, छा गए भाई। क्या भी? छा गए भाई। कैसे बोलते हैं ना भाई, जब कोई फेमस हो जाता है व्यक्ति, तो क्या बोलते हैं भाई? छा गया भाई। क्या भाई? छा गया मेरा भाई। तो छा से क्या बन गया? छज्जू राम। और भाई से क्या बन गया? भिवानी। भाई से क्या बन गया? भिवानी बन गया। छा गया भाई। तो छज्जू राम की हवेली कहाँ पे है? भिवानी में। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में है काजी की मस्जिद। क्या भाई, काजी की मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। काजी को क्या पढ़िए आप? राजी। काजी को क्या पढ़िए आप? राजी पढ़िए। काजी को राजी पढ़िए। राजी से क्या बनने लग रहा है? रा बनने लग रहा है। रा से क्या बना दीजिए? रोहतक। क्या बना दीजिए? रोहतक बना दीजिए। काजी की मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। काजी की मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। और जो काजी की मस्जिद की जो तुलना की गई, वो किसके साथ में की गई भाई? कुतुब मीनार के साथ में। क्या, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है, उसके साथ में तुलना किसकी की गई है भाई? काजी की मस्जिद की। किसकी भाई? काजी की मस्जिद की साथ तुलना किसके साथ में? कुतुब मीनार के साथ में की गई। उसके बाद में क्या है कि लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है लाल किला? दिल्ली में। दिल्ली के नज़दीक लगता है गुरुग्राम। दिल्ली के नज़दीक क्या लगता है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम के अंदर है शीश महल। क्या है गुरुग्राम में? क्या है? शीश महल है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। शीश महल कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। जो शीश महल की जो तुलना की गई, वो किसके साथ में? दिल्ली के जो लाल किला है, दिल्ली में जो लाल किला है,
उसके साथ में तुलना की गई है शीश महल की। यूपी में है ताजमहल, क्या भाई यूपी के अंदर क्या है, ताजमहल है। वो थानेश्वर में क्या है कि शेख चिल्ली का मकबरा, थानेश्वर में क्या है शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना किसके साथ में की गई, जो यूपी के अंदर है ताजमहल उसके साथ में तुलना की गई। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे की तुलना किसके साथ में की गई, ताजमहल के साथ में की गई जो यूपी में है। और शीश महल की तुलना किसके साथ में की गई, लाल किले के साथ में की गई जो दिल्ली में है, जो दिल्ली के अंदर है। और जो काजी की मस्जिद, क्या अभी काजी की मस्जिद किसके, काजी मस्जिद की तुलना किसके साथ में की गई भाई, कुतुब मीनार के साथ में की गई। ये आपको ध्यान में रखनी है, क्या अभी ये आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है ये बातें। उसके बाद में है चार कुतुब दरगाह, क्या अभी चार कुतुब दरगाह बोल लीजिए चाहे मकबरा बोल लीजिए। चार कुतुब यहाँ से क्या संबंध है, इनका एक संबंध क्या है, कहाँ से कनेक्ट होते हैं चार, यहाँ पे सूफी संत है, क्या भी चार सूफी संत से ये कनेक्ट होता है, ये है कहाँ पे, ये चार कुतुब दरगाह कहाँ पे या फिर मकबरा कहाँ पे, ये है हांसी के अंदर। यदि हांसी ऑप्शन में नहीं है तो आप किसके साथ में जाएंगे, हिसार के साथ में जाएंगे। जिला हिसार में है, शहर हांसी में, क्या भी हांसी क्या है शहर है, जिला हिसार। यदि जिले की बात आए कि किस जिले में है तो हिसार जिले में है, यदि किस शहर में है तो क्या होगा उसमें, हांसी शहर में है। उसके बाद में है चोर कुबंद, क्या भी चोर कुबंद कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। चोर कुबंद कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। उसके बाद में पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, दीन बंधु सब छोटू राम स्मारक संग्रहालय, दीन बंधु सब छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है, ये रोहतक में है। कहाँ पे है भाई, ये रोहतक में है, क्योंकि सब छोटू राम का संबंध कहाँ से था, रोहतक से था। कहाँ से था भाई, सब छोटू राम का संबंध कहाँ से था, रोहतक से था। और यहाँ जो विश्वविद्यालय है, क्या भी दीन बंधु सब छोटू राम विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, सोनीपत में, वो कहाँ पे है सोनीपत में, सोनीपत विश्वविद्यालय सोनीपत में है, लेकिन संग्रहालय कहाँ पे है, रोहतक में। तो छोटू राम का संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से संबंध है, रोहतक के क्या भी रोहतक के निवासी थे, रोहतक जिले के निवासी थे। वो इसको कैसे याद करेंगे, इनका विश्वविद्यालय सोनीपत में है। दीन को क्या पढ़िए, दीन, दीन को पढ़िए आप दिन, दीन को क्या पढ़िए आप दिन। और दिन का विपरीत क्या होता है, दिन का विपरीत क्या होता है, रात, रात को क्या करते हैं सोते हैं, रात को क्या करते हैं सोते हैं। तो विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सोनीपत में है। आगे है कर्ण कोट का किला, क्या भी कर्ण कोट का किला कहाँ पे है, फतेहाबाद में। कर्ण कोट का किला कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। कोर्ट में हम क्यों जाते हैं, कोर्ट में हम केस को जीतने के लिए जाते हैं। कोर्ट में क्यों जाते हैं भाई, केस को जीतने के लिए जाते हैं, केस को फतेह हासिल करने के लिए जाते हैं। जीतने को क्या बोलते हैं अभी, फतेह हासिल करना, क्या अभी जीतना क्या होता है, फतेह हासिल करना। कोर्ट के अंदर हम क्यों जाते हैं, केस को फतेह, केस की फतेह हासिल करने के लिए भी हम जाते हैं। उसके बाद में है ये है कहाँ पे, प्रॉपर जगह कहाँ पे, अभी कर्ण कोट के किले की जो प्रॉपर जगह है वो है भट्टू कला, क्या भी भट्टू कला। उसके बाद में है प्राचीन बालू का टीला, क्या भी प्राचीन बालू का टीला, यहां से बनेगी बात। बालू कहाँ पे होती है, बालू क्या है मिट्टी, बालू क्या होती है मिट्टी होती है, मिट्टी कहाँ पे होती है, थल पे होती है, मिट्टी कहाँ पे होती है थल पे होती है। तो बालू का टीला कहाँ पे है, कैथल में, बालू का टीला कहाँ पे है, कैथल में है। और सबसे ज्यादा जो लाल मिट्टी पाई जाती है हरियाणा में, हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है सरसा में, कहाँ पे पाई जाती है सरसा में। यहाँ पे लाल मिट्टी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कच्ची सड़कें भी ज्यादा होगी, क्या भी यहाँ पे कच्ची सड़कें भी ज्यादा होगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें भी कहाँ पे है, सरसा के अंदर है, कहाँ पे है भैया, सरसा के अंदर ही है। उसके बाद में है लोहारों का किला, क्या भी लोहारों का किला कहाँ पे है, भिवानी में, लोहारों का किला कहाँ पे है, भिवानी के अंदर है। आगे है चूहीमल की छतरी, क्या भाई चूहीमल की छतरी कहाँ पे है, नू मेवात में, चूहीमल की छतरी कहाँ पे है, नू मेवात के अंदर है। उसके बाद में है पुरानी कचहरी, क्या भाई पुरानी कचहरी कहाँ पे है, पुरानी से संबंध कीजिए पलवल का, पुरानी में क्या आने लग रहा है पै, और पलवल में क्या आने लग रहा है पै, तो क्या हो गया पुरानी कचहरी कहाँ पे है, पलवल में, पुरानी कचहरी कहाँ पे है, पलवल के अंदर है। आगे है इंदौरी का किला, क्या भी इंदौरी का किला, इंदौरी से समझ में आता है कि मुस्लिम, क्या भी इंदौरी के से समझ में आता है मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ पे है,
मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मेवात में। कहाँ पे? अभी मेवात के अंदर है, नूह मेवात में। कहाँ पे? अब नाम क्या कर दिया गया मेवात का? नूह बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी? नूह बना दिया गया। पहले नाम क्या था इसका? मेवात। उसके बाद में है तावड़ू का किला। क्या? अभी तावड़ू का किला। तावड़ू का किला भी कहाँ पे है? मेवात में। राजा ताड़ सिंह ने, क्या भाई, राजा ताड़ सिंह ने तावड़ू का किला बनवाया। किसने बनवाया भाई? राजा ताड़ सिंह ने। उसके बाद में शेख मूसा की मजार। क्या भाई? शेख मूसा की मजार। मूसा में क्या लग रहा है? मैं से बन गया मेवात। मैं से क्या बन गया? मेवात। और शेख मूसा की मजार का जो बनवाने का जो काम किया, इसको बनवाने का काम किसने किया भाई? अकबर ने। किसने किया भाई? अकबर ने। अकबर कहाँ के निवासी थे? ईरान के। अकबर कहाँ के निवासी थे भाई? अकबर निवासी थे ईरान के। कहाँ के निवासी थे? ईरान के। उस शेख मूसा के शिष्य का नाम क्या भाई? शेख मूसा जो थे उनके शिष्य का नाम क्या था? उनके शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद में है शेख जुनेद की मजार। क्या भाई? शेख जुनेद की मजार कहाँ पे है? हिसार में। शेख जुनेद की मजार कहाँ पे है? हिसार में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर के अंदर है। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। कैसे याद करें? शेख तैयब आने लग रहा है, तय से क्या बना दीजिए? तबीयत। क्या बना दीजिए भाई? तबीयत। शेख तैयब की क्या हुई? तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद वो कहाँ पे बैठ गया? थल पे बैठ गया, जमीन पे बैठ गया। उसके बाद में क्या है कि शेख चिल्ली का मकबरे को कैसे याद करें? कि शेख चिल्ली जो है वो चिल्लाने लग गया, वो चिल्लाने लग गया। कहाँ पे चिल्लाने लग गया भाई? थाने में। कहाँ पे भाई? वो थाने के अंदर चिल्लाने लग गया। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।